अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। आज मैं आपको लॉन्ग कुर्ती के साथ स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 मीटर कपड़ा ले लिया है और उसे इस तरह से त्रिकोण शेप पे फोल्ड कर लिया है। नीचे का कपड़ा थोड़ा छोटा आ रहा है और ऊपर में बड़ा आ रहा है। लेंथ हमारा 44 इंच है और कमर है 40 इंच। तो 40 इंच रहने पर हम 5 इंच बढ़ा के यानी 50 इंच का मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ से 10 इंच से इस तरह मार्किंग लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसको इस तरह मिला देंगे। ये पूरा 44 इंच आएगा। अब हम इसका लेंथ लेंगे। लेंथ में हमारा 44 इंच है तो हम इस तरह लेंथ में निशान लगाएंगे। साइड का थोड़ा दिख नहीं रहा है, अभी मैं इस तरफ घुमाते हुए आऊँगी तो आपको दिखेगा। पहले लेंथ लगा लेंगे 44 इंच यहाँ से, फिर यहाँ से भी हम 44 इंच लेंगे और यहाँ से भी 44 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम सारे राउंड्स मिला देंगे। देखिए मिलाने के बाद इस तरह से आएगा कुछ इस तरह से, और ये कमर है। तब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का घेरा कटिंग कर लेंगे और फिर हम साइड से कपड़े को काट के निकाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने लहंगे को पलट दिया है। यहाँ पर ही कपड़ा कम है इसलिए हम इस तरह से कपड़े को यहाँ से यहाँ जॉइंट करेंगे दोनों पल्लों में। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से जॉइंट करने के बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे और इस तरह फोल्ड करके फिर इसके बराबर का हम उसे कट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से बराबर से बैठा करके हम इसे यहाँ से बाकी जो बचे हुए कपड़े हैं उसे काट के हम निकाल देंगे। देखिए जॉइंट इधर है और ये इधर है। ये मैं थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब हम इसे कट करते हैं। कट करके हटा दिया मैंने। अब इस लहंगे के दोनों साइडों में हम सिलाई कर लेंगे। इस तरफ से पूरी सिलाई करेंगे फिर इस तरफ से पूरी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है और दूसरी साइड मैंने 4 इंच जितना ओपन रखा है और इसे इस तरह फोल्ड करके जैसे हम सूट का दामन सीते हैं उस तरह से हम सिलाई करेंगे। अब हम बेल्ट काटेंगे। बेल्ट हमारा 45 इंच का कटेगा यानी टोटल 13 इंच आना चाहिए फोल्ड करके। ये देखिए, ये काट लिया है मैंने बराबर से पहले कपड़े को। अब हम इसका नाप करके अच्छे से बैठाएंगे और इसे 2 पीस में कट कर लेंगे। अब इस तरह से ये नाप लेंगे हम, जितना हमें कमर का नाप रखना है उतना नाप करके हम एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। आप अगर 30 की कमर बना रहे हो तो 35 इंच लीजिए कपड़े में, और 40 इंच में 45 इंच लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब मैंने दोनों पल्लों को जॉइंट कर लिया है क्योंकि इतना ही कपड़ा मेरे पास बचा था, इसलिए बेल्ट मैंने इस तरह से काटा है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप एक साथ भी बेल्ट काट सकते हैं। मैंने 2 पीस काटा था उसे आपस में जोड़ लिया है और अब इस तरह से इसे स्टिच कर लूँगी।
देखिए ये स्टिच हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से मिलाते हुए सारे में स्टिच कर लेंगे। नेफा बनाएंगे हम नारा डालने के लिए, आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ हम सिलाई करेंगे या फिर पिको करेंगे, तो मैं इसमें पिको करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने लहंगा सिल लिया है, लहंगा बोले या स्कर्ट बोले। अब आप इसके अंदर अस्तर डाल सकते हैं, केनकेन डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं नॉर्मल सा स्कर्ट सी रही हूँ इसलिए इसमें केनकेन या अस्तर नहीं डाला है। ये देखिए मैंने नेफा बना लिया है, पिको भी कर लिया है, इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और लॉन्ग सूट के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।